खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सांगली में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत के मुख्य अतिथि में हुआ संपन्न कार्यक्रम में मुख्य समूह के बहनों ने पुष्पमाला पहनाकर अतिथियों का स्वागत तिलक लगाकर किया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष किरण साहू ने दिया। तत्पश्चात महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कमलेश सास्वत ने संबोधित किया। भाजपा विधायक प्रत्याशी श्रीमती गीता घासी साहू ने संबोधित करते हुए अपने पक्ष में समर्थन मांगते हुए लोगों को अपना अमूल्य वोट कमल छाप पर बटन दबाकर मुहर लगाने का आग्रह किया। प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान करने वाली पार्टी है। कांग्रेस सरकार ने महिलाओं से झूठे वादे कर लोगों के घर घर शराब पहुंचाने का काम किया है, महिलाओं से रेडी टू ईट रोजगार छीनने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सिलेंडर गैस देकर उनका समय और उन्हें धुआं रहित चूल्हा दिया। घर घर में शौचालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। युवाओं को रोजगार महिला समूह के माध्यम से काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने लोगों को सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष किरण साहू, खुज्जी विधानसभा भाजपा प्रत्याशी गीता घासी साहू, कमलेश सास्वत महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, पारुल जैन महामंत्री, देव कुमारी महामंत्री, ललिता कन्वर जिला पंचायत सदस्य, किरण वैष्णव जनपद पंचायत अध्यक्ष छुरिया, गोपाल सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। छुरिया से राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। बस देखते रहिए सी डिविजन टीवी।